प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में जारी आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर थम गया है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस सिस्टम कमजोर पड़ने के कारण इस पर ब्रेक लग गई है। आज से ही ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। 19 मई तक ग्वालियर चंबल में लू यानी गर्म हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वेस्टर्न डिस्टरबेंस दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से बारिश, ओले और आंधी वाला मौसम बना हुआ है। अभी भी इनकी एक्टिविटी है, हालांकि गुरुवार से असर कम होने लगेगा। सिस्टम कमजोर होने से भिंडतिया में हीट वेव चलेंगी, कुछ जगहों पर बादल भी बने रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार 17 मई को उत्तर भारत में एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। इसका असर 20 मई से प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है। अभी बीते 24 घंटों में देखा गया तो कुछ कुछ जगहों पे आइसोलेटेड बारिश और थंडरस्टॉर्म हमने दर्ज किया है। वेस्टर्न एमपी में सबसे ज्यादा हुआ उज्जैन में 9 मिलीमीटर और ईस्टर्न एमपी में मंडला में हुआ 18 मिलीमीटर और 7-8 डिस्ट्रिक्ट में दोनों सब डिविजन से थंडरस्टॉर्म भी दर्ज किया है। अभी देखा गया तो अभी तक हीटवेव और वार्म नाइट रिपोर्ट नहीं हुआ है। कुछ कुछ जगहों में टेम्परेचर ज्यादा, मतलब 40 से क्रॉस होके आया है। सबसे ज्यादा आया है दतिया में, 43.7 आया, और सिद्धि में भी 41, ईस्ट एमपी में सबसे ज्यादा 41 आया है। बट ये सिस्टम अभी जो रेन बेयरिंग सिस्टम जो भी है, आज और कल से थोड़ा और कमजोर हो जाएगा, तो उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने का ही चांसेस है। ऑलरेडी नॉर्दर्न एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया तो टेम्परेचर अभी 40 क्रॉस करके ही है, तो ये स्थिति अभी अगले दिनों में और बढ़ेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।